मांस खाने वाला बैक्टीरिया, ये नाम ही क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? एक्चुअली ये डिजीज़ तो पहले से एग्जिस्ट करती है, फेशियाइटिक नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस नाम से, और हम इसका वो वाला नाम विच इज़ आल्सो नोन एज द फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया, हम इस टर्म को ही बार बार क्यों यूज़ कर रहे हैं, खासतौर से दीज मीडिया पर्सन, बिकॉज सो एज टू केयर कॉज ए टेरर इन द पब्लिक एंड टू सी द रिएक्शन ऑफ द पब्लिक वट विल हैपन। सो वो नाम जो कि थोड़ा ड्रेडली है, उस नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, ये यूजली स्प्रेड तो फास्ट होती है डेफिनेटली, इसमें बहुत तेज़ी से स्प्रेड होती है, उसमें जनरली एम्पुटेशन रिक्वायर्ड होता है जनरली, अगर ये लिम्ब वगैरह में तुरंत स्प्रेड होती है तो। लेकिन ये हमेशा किसी कट के साथ या उसके जिस पर्सन को है उसके फ्लूड के साथ और आपके भी अगर स्किन में लीजन है उसके कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं तब आपको होती है। तो बहुत ज़्यादा टेरर बनाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आजकल देख ही रहे हो आप कितने सारे वीडियोस जिसका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि किसी तरह भी यूज़ आ जाए, चाहे उसके लिए कोई भी यूज़ करना पड़े आपको टर्म, चाहे किसी, और आपको पता है कि फंडिंग यूजली यही सबके पीछे मोनोमेटिव होता है। आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, हाँ अपने प्रिकॉशन लीजिए लाइफ में जो हमेशा से लेते आए हैं, लेकिन इसको ऐसा नहीं। एक बार एक बड़े अस्पताल दिल्ली में मैं काम करता था उस समय में, और स्वाइन फ्लू फैला हुआ था उस समय, किसी ने अगले दिन मेरी ड्यूटी थी 24 आवर्स वहाँ पे उस समय ड्यूटी थी, और मैंने देखा कि अगले दिन न्यूज़ आई थी कि सो एंड सो हॉस्पिटल में कल दो स्वाइन फ्लू से डेथ हुई। अभी मैं ड्यूटी पे था, मेरे सामने कोई इस तरह का केस आया नहीं, कोई एडमिट हुआ नहीं। मैंने कहा हो सकता है चलो घर पे आके हुआ हो, मैंने सारे पेरेंट्स को सबको कॉल किया, कहीं पे कोई एक्सपायर नहीं था। तो फिर मैं जाके उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट HOD के पास गया, तो फिर वहाँ पर पता लगा, उन्होंने बोला कि आपको क्या मतलब इससे। मैंने कहा भाई मेरी ड्यूटी थी, उस बीच में कोई नहीं एक्सपायर हुआ। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि जब हम इस तरह से करते हैं तो कहीं इनसे इंटरनेशनल फंड्स आते हैं, कहीं इनके पास कहीं से फ़ंड आते हैं, तो इस तरह भी हो सकता है इसके पीछे भी कुछ ना कुछ आगे चल के हो, या कोई नई वायरस स्प्रेड किए जाना रहा हो। तो देखना है उससे पहले कि वर्ल्ड कैसे रिएक्ट करेगा। अब वर्ल्ड कितना कोरोना के बाद वर्ल्ड थोड़ा आराम करके बैठ गया है या बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने वाला है, तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि इस तरह से न्यूज़ उड़ाइए, फिर देखते हैं जिस समय कोई नया वायरस स्प्रेड किया जाएगा वर्ल्ड में जो लोग कर रहे हैं, तो फिर देखेंगे कि वर्ल्ड किस तरह से एक्ट करेगा। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। डॉक्टर्स ICU वाले और सब जो पूरा हॉस्पिटल है वो सब मैनेज कर लेंगे, ऐसे कोई चिंता की बात नहीं लगती मुझे इसमें। होती है, बहुत सारे केसेस देखते आए हैं लाइफ टाइम में, तो ये स्प्रेड तो होती है फर्स्ट ईयर, इस बैक्टीरिया का नेचर रहा ही है पहले से। तो टेक केयर, बी पेशेंट, आराम से मस्त रहिए, खुश रहिए।